हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। 5 बजे मैं हल्द्वानी पहुंची, फिर मैंने बच्चों के कपड़े धोए और थोड़ा सा जो मैसी सा हो रहा था घर उसे सही करा, और अपने टिफ़िन और बच्चों के और टिफ़िन धोए क्योंकि बहुत सारे जाते हैं। 2 मेरे होते हैं क्योंकि हमें अरहर की दाल चावल ले गई थी, 2 वो हुए, 1 चाय का 1 कप, 4 मेरे हुए हिमाद्री और गर्व के फूड ब्रेक के, और दोनों के टिफ़िन उसी के साथ में घोट वाला बॉक्स में दाल और चावल देती, तो लगभग 6-7 के आसपास, 7-8 हो ही जाते हैं, धोए हैं। और बस बनाई है अपनी फेवरेट टी, बस पी रही हूँ। कपड़े मैंने नीचे के कपड़े जो यहाँ पर मैंने हैंग कर रखे थे, मेरे हस्बैंड लास्ट वाले उन्होंने ही धोए थे, तो उठा लिए हैं और यथा स्थान रख लिए हैं। और अभी ऊपर जाती हूँ कि मैंने बेडशीट भी धोई थी और मैंने रक्स जो सारी इस कमरे की हैं वो सब रात ही को धो दी थी, सूख चुकी हैं, अभी मैंने साइड में रख दी हैं। सुबह जब झाड़ू पोछा लगाऊंगी फिर उन्हें अच्छे से बिछा दूंगी। तो बस अभी जाती हूँ ऊपर, खाने का देखना है क्या बनेगा, अभी कुछ नहीं पता कि क्या बनाना है, ऐसे ही हो जाता है। क्या बेटा? अच्छा, घर को होमवर्क मिला है, कह रहा होमवर्क करो। पहले मैं इसे होमवर्क ही कराती हूँ, चलिए फिर से आपसे बात करूँ। चिप्स खा रही है लेज वाले, मैंने कहा मुझे भी दे दे, अभी ले करके आए थे। कुछ ना कुछ बच्चे खाते ही हैं, मन नहीं मानता। घर ने डे बोर्डिंग ज्वाइन कर लिया है 2 मंथ के लिए, 4000 फीस है और पर डे 70 रुपीज़ देने ही पड़ते हैं क्योंकि भूख लग जाती है बच्चों को। तो हिमाद्री के और आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, सेकंड असेसमेंट, अब थर्ड यूनिट शुरू हो जाएगी परसों से, कल तो शायद छुट्टी होगी, मेरा मतलब मंडे से। बस घर को होमवर्क कराती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आप लोग भी ये करो, और कोई काम नहीं हाथ लाने के अलावा। मेरे लंगूर, आज नैनीताल का मौसम अच्छा हो रहा है, धूप बहुत अच्छी निकली है, मैंने कोट भी पहना है, लेकिन आज गर्म सा ही फील हो रहा है। लेकिन यह है कि मौसम यहाँ बदलता रहता है तो तबीयत ख़राब होने के चांस रहते हैं, तो ज़रा पैक होके रहना ही पड़ता है। बस 9th की क्लास चल रही है आज, आधे बच्चे NCC में सराय में हैं, 3-4 दिन से वो अटेंड कर रहे हैं, और बस 2 बच्चों को मैंने अभी पढ़ाया, और वो ज़रा वाटर पीने के लिए गए हुए हैं, तो इस समय थोड़ी सी खाली बैठी थी, मैंने कहा आपसे बात करती हूँ। बस इंटरवल का टाइम भी हो रहा है, एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है, माई चाइल्ड हुड, APJ अब्दुल कलाम जी का, तो मैं दिखाती हूँ। बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लगता है नैनीताल में, खूबसूरत देखिए पहाड़, ग्रीनरी यहाँ की, में इतने अच्छे अच्छे मतलब ट्रीज़ हैं और प्लांट्स भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ, तो फ्लावर नहीं है नीचे की साइड में, जहाँ बलिया नाला उधर साइड में बहुत फ्लावर्स हैं यहाँ पर, अच्छा लगता है। नैनीताल की खूबसूरती ही अलग है, तभी तो लोग आते हैं यहाँ खूब घूमने के लिए, एक ये हो गया और एक मसूरी हो गया, दोनों जगह बहुत घूमना पसंद करते हैं। इधर पहाड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेयर्स में अच्छे लगते हैं, इधर से रास्ता भी है, लोग उधर से शॉर्टकट रास्ता है, काफ़ी रास्ते हैं यहाँ पर। आज संडे का दिन है, उठ तो मैं 6:30 पे उठी थी, उठ गई थी और बस चाय वाय सब पी ली है, छोले बना दिए हैं मैंने और पत्ता गोभी मम्मी जी ने काट दी थी, तो पत्ता गोभी और शिमला मिर्च मिक्स सब्जी भी चढ़ा दी थी, और बस चावल माइक्रोवेव में चढ़ा दी थी, रोटी बनने रह गई है, बच्चों ने नहा लिया है और नाश्ते में उन्होंने मैगी खाई और हिमाद्री इस समय ओरियो खा रही है, मैंने बस चाय पी थी और खाने का मन नहीं था, थोड़ी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। और बस और घर जिद कर रहा है एक मूवी देखने के लिए, वकांडा फॉर एवर, जाने क्या कह रहा है, ये देखिए एक्शन इसके, लगभग 1 बजने वाले हैं और गर्व की इच्छा पूरी कर दी है मैंने, बुक कर दिया टिकट, क्योंकि मैं ये चीज़ें मैं ही बुक करती हूँ, मिस्टर प्रदीप पंत ये नेट वगैरह ये यूज़ नहीं करते हैं, तो वॉकवे मॉल में क्या नाम था, वकांडा जाने इस टाइप की कोई मूवी है, वो देखने के लिए चले गए हैं। हिमाद्री मेरा मन नहीं था, मैंने सोचा थोड़ी मेहंदी ही ना अप्लाई करूँगी, मेरे ग्रे हेयर्स वाइट हेयर से दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं ही ना अप्लाई कर देती हूँ, थोड़ा बस भिगोया था मैंने रात, मतलब भिगोया था सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह भी क्या, नहाने धोने के बाद भिगोती थी, मैंने कहा 3-4 घंटे भीगी रहेगी और उसके बाद मैं अप्लाई कर दूँगी, धूप आ ही रही है तो इतना ठंडा भी नहीं लगेगा, और उसके बाद ऑयलिंग भी ज़रूरी होती, जब हेयर सूख जाएंगे तो मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी, तो सोच रही हूँ तिल का तेल और बादाम मिक्स करके
मैं अब यार अपनी क्या कहते हैं चम्पी खुद करूं। बहुत समय से मैंने चम्पी की वीडियो कोई शेयर भी नहीं करी है। एक बार करी थी सना से, करवाई थी, फिर मैंने उसके बाद से मतलब वीडियो ऐसी कभी नहीं बनाई। तो थोड़े आपको बेनिफिट्स भी बता दूंगी। तिल के तेल की एक बार मैंने नेक मसाज भी कराई थी, बहुत रिलीफ मिला था मुझे नेक मसाज करा के, क्योंकि तिल का तेल गर्म भी होता है और बहुत अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए। और उसमें बादाम का तेल मिक्स कर दो तो और ज़्यादा वो बेनिफिशियल होता है। तो बस एज़ यूज़ुअल मैंने अपने लिए चाय बनाई। आज बहुत दिन से देखी नहीं होगी आपने व्लॉग में पीते हुए, बस पीती हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर में हिना अप्लाई करती हूँ। हिना का वीडियो मैं अलग से आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि फिर क्या बनाओ भी हो जाता है। वैसे ही लाइफ बिजी हो गई है, स्कूल जाना इस नेक्स्ट वीक, तो अब इसमें कोई छुट्टी भी नहीं है, बस एक आध संडे मिल गया। और हमारे यहाँ फैमिली में मतलब ससुराल फैमिली में शादी होने वाली है, 20 को महिला संगीत है, रामनगर जाना है, लेकिन शायद मैं अटेंड नहीं कर पाऊँ क्योंकि 20 को घर का एनुअल फंक्शन है। उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पिछली बार भी करी थी तो आप लोगों को पसंद आई थी, मैं लाइव भी गई थी वहाँ से। और इस बार थीम रखी है इंडिया, देखते हैं कैसा ही बात। जो किंडर गार्डन्स के बच्चे हैं उनको इसमें मतलब वो नहीं करा गया है, मतलब ज्वाइन नहीं करा उन बच्चों ने, क्योंकि उनके लिए अलग से धरोहर और ग्रैंड पेरेंट्स डे हुआ था। तो इस बार जो फर्स्ट से लेकर के 12th तक के बच्चे हैं उनका ही प्रोग्राम होगा। तो हिमाद्री हमारे साथ दर्शक बनेगी, देखने के लिए जाएगी, और पिछली बार हिमाद्री ने भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा था, तो इस बार जो छोटे बच्चे हैं उन्हें स्किप कर दिया गया है। थोड़ी परेशानी भी होती है क्योंकि जब बच्चों को हमने कलेक्ट करना था तो उस समय बहुत परेशानी हो गई थी। और मैंने अपने लिए शुगर की, मैं भूल जाती हूँ, शुगर की लिपस्टिक मंगाई थी, मिनी मैट, तो बहुत अच्छी हैं वो, एकदम मतलब काफ़ी घंटे तक ऐसी रहती है। तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, लेकिन मैं अभी आपके साथ उन लिपस्टिक को शेयर भी करूँगी आपके साथ, उसकी अलग से वीडियो बना लूँगी। अब मैं सोच रही छोटी छोटी वीडियो डाल देती हूँ डेली, चाहे बहुत लोग ना देखें, 50-60 लोग तो देख ही लेते हैं, मतलब हर तरह के दर्शक आते हैं। कोई मेरी व्लॉग्स पसंद करते हैं, कोई पार्लर वीडियो पसंद करते हैं। फिर मैंने सोचा कि व्लॉग्स भी कहाँ बनाती रहूँ, पार्लर भी कितने चक्कर काटूंगी, तो मैंने सोचा चलो मैं किसी चीज़ के बेनिफिट्स वगैरह बता देती हूँ। मैंने बीच में हर सिंगार का डाला था, इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी, तो वो वीडियो शायद लोग मेरी इतनी पसंद नहीं कर रहे या फिर मैं उसे एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे वीडियो लोग लाइक करते हैं। वैसे टाइम नहीं मिल पाता है कभी, तो मैं डेली डाल देती हूँ। और वो जो डेली डाल रही हूँ, मैंने काफ़ी समय से बीच में छुट्टियाँ हुई थी उसमें बना के रख ली थी। फिलहाल तो मैं कोई पार्लर मैंने विजिट नहीं कराया है, कुछ समय पहले गई थी, तो वो पुरानी वीडियोज़ को मैं डाल देती हूँ, कभी उस समय के बारे में बोल देती हूँ। एक बार मैंने दीपावली से पहले की वीडियो दीपावली की बात करी, तो लोगों ने जिन्होंने ढंग से वीडियो देखी उन्होंने पकड़ भी लिया कि इतनी पुरानी वीडियो वो पब्लिक कर रही है। मैं अनलिस्टेड करके रख देती हूँ क्योंकि मेमोरी फुल हो जाती है, फिर मैं वीडियोज़ को डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मेमोरी भी नहीं रहती है इतनी। तो फिर बस चाय पीती हूँ और उसके बाद हिना अप्लाई करती हूँ और बच्चे आएंगे। वैसे मैंने कहा था कि वहाँ की वीडियो बनाना, और गेम जोन भी जा रहे हैं, जाने के लिए गए थे, क्योंकि मैंने कार्ड दे दिया था। उस कार्ड में पिछले मैंने 2000 का रिचार्ज करा था और थोड़े पैसे पहले से थे, तो उसमें पैसे हैं, तो इसमें पे करने की ज़रूरत नहीं है, उससे बच्चे गेम्स वगैरह खेल लेंगे। मैंने कहा तो था कि वीडियो डाल देना, कल चिल्ड्रंस डे भी है तो हमारे यहाँ भी सेलिब्रेट होगा, तो हमारे यहाँ बच्चों को ले जाया जा रहा है नैनीताल में जू, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने शेयर करे हैं पैसे अपनी श्रद्धा के अनुसार। बच्चों को देखते हैं क्या क्या खिलाते हैं, पेस्ट्री तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे, तो केक कटेगा, पेस्ट्री आएगी, पेटीज वगैरह जो भी होगा, बच्चों को के साथ चिल्ड्रंस डे मनाएंगे और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। बच्चों ने भी टीचर्स डे मनाया था तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था। और चांस की बात, जब भी इस टाइप की चीज़ें होती है मंडे ही पड़ता है, मेरा फास्ट होता है, मैं कुछ नहीं खा पाती हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ फिर मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।